एंजल वन के चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रितिका और आप देख रहे हैं ट्रेडर्स डाइजेस्ट, हमारा बाई वीकली शो जिसमें मैं हर हफ्ते दो बार आपके साथ शेयर करती हूं मार्केट से जुड़ी इंसाइट्स और हमारी स्टॉक रिकमेंडेशंस। अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर जल्दी से बेल आइकॉन पर क्लिक, ताकि मार्केट की हर एक ज़रूरी खबर आप तक पहुँचे सबसे पहले। प्लेजेंट ग्लोबल सेटअप के होते हुए नए हफ्ते की शुरुआत एक चेयरफुल नोट पर रही। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ग्रेजुअली ऊपर बढ़ता गया और मिड सेशन तक 17,400 का मार्क टेस्ट हुआ। इसके बाद बेंचमार्क इंडेक्स में एक्टिविटी नहीं दिखी, क्योंकि हमने एक रेंज बाउंड मूवमेंट देखा और एंड में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी दिखी। इवेंचुअली निफ्टी ने मंडे का सेशन 17,300 के ऊपर कन्विंसिंगली खत्म किया और बुल्स ने ऑलमोस्ट 1.5% के गेन्स बुक किए। अगले दो दिनों में मार्केट ने अपने गेन्स को एक्सटेंड किया, क्योंकि बजट का इवेंट ज्यादा हलचल के बिना ही पास हो गया। लेकिन हफ्ते के एंड तक ग्लोबल मार्केट्स में फिर से उतार चढ़ाव की वजह से रैली धीमी हो गई। इन सब के बावजूद निफ्टी ने पिछले हफ्ते को 2% से ज्यादा के गेन्स के साथ क्लोज किया और मोर इम्पोर्टेंटली 17,500 के की सपोर्ट के ऊपर पहुंच गया। प्रैक्टिकली स्पीकिंग, निफ्टी ने ऑलमोस्ट 1,000 पॉइंट्स की रैली सिर्फ 5 सेशंस में की और एक तौर का प्रॉफिट बुकिंग क्लियर था। हमारी एडवाइस है कि ट्रेडर्स को इस प्रॉफिट बुकिंग से कैरिड अवे होना अवॉइड करना चाहिए, बल्कि इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, स्पेशली अगर आप उन ट्रेडर्स में से एक हैं जिन्होंने शार्प रिकवरी की वजह से अपॉर्चुनिटी मिस कर दी हो। ये व्यू तब तक वैलिड रहेगा जब तक हम 17,240 का इंपॉर्टेंट लेवल क्लोजिंग बेसिस पर पकड़ कर रखेंगे। हायर साइड पर 17,700 टू 17,800 वो इमीडिएट लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी होगी। अगर ग्लोबल मार्केट सपोर्ट करते हैं तो हम निफ्टी को ये हर्डल्स सरपास करके 18,000 मार्क की तरफ बढ़ते हुए देख सकते हैं। बैंकिंग स्पेस को हम ट्रैक करने की राय देंगे, क्योंकि हम मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन इस हैवी वेट बास्केट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इस हफ्ते का ओनली डिसअपॉइंटिंग फैक्टर इंडिविजुअल स्टॉक्स का अंडर परफॉर्मेंस रहा। जनरली एक क्वाइट मार्केट में इंडिविजुअल थीम्स शाइन करते हैं, लेकिन लैटर हाफ ऑफ द वीक में ये क्लियरली मिसिंग था। हम होप करते हैं कि ये पिक्चर चेंज हो और ट्रेडर्स को एम्पल अपॉर्चुनिटीज मिलें टू ट्रेड इन द ब्रॉडर मार्केट। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट सम इम्पॉर्टेंट न्यूज दैट वी थिंक यू शुड बी अवेयर ऑफ। माथाभाग ब्रांड की पेरेंट कंपनी वैद्या साने आयुर्वेद लेबोरेटरीज जल्द ही अपना आईपीओ लॉन्च करेगी। पब्लिक ऑफरिंग 10 फरवरी को इशू होगा और 15 फरवरी को बंद। इससे कंपनी 20.22 करोड़ रेज करने का एक्सपेक्ट कर रही है। आईपीओ में 27.7 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफर हो रहे हैं एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 73 रुपीज पर शेयर। एंड नाउ लेट्स टेक अ लुक एट स्टॉक रिकमेंडेशन ऑफ द वीक। हमारे पिछले हफ्ते के स्टॉक रिकमेंडेशन जुबिलेंट इंग्रेविया लिमिटेड ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। हम रिकमेंड करते हैं कि ट्रेडर्स इसमें से एग्जिट कर जाएं। इस हफ्ते के स्टॉक रिकमेंडेशन में हम आपको रिकमेंड करते हैं चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी का स्टॉक, जो कि बुलिश व्यू के साथ लास्ट क्लोज हुआ एट 672 रुपीज पर। इसने पिछले हफ्ते एक सिग्निफिकेंट अप मूव देखा और फाइनेंशियल स्पेस में आउट परफॉर्मेंस की लिस्ट में रहा। स्टॉक ने प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन में एक डिसाइसिव वॉल्यूम बेस्ड ब्रेकआउट देखा और अब वो अनचार्टेड टेरेन में एंटर करने के लिए रेडी है। रीसेंट कंसोलिडेशन के बाद प्राइस एक्शन में एक ब्रेकआउट के होने से रैली के नेक्स्ट लेग के अनफोल्डिंग की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं। इसलिए हम ट्रेडर्स को इस हफ्ते रिकमेंड करते हैं चोला मंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन का स्टॉक फॉर अ शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ 732 रुपीज एंड स्टॉप लॉस कैन बी प्लेस्ड एट 640 रुपीज। अगर आपको ट्रेडर्स डाइजेस्ट में दी गई इन रिकमेंडेशंस और इनसाइट से फायदा हुआ है तो हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें और अपने फीडबैक को भी, ताकि हम आपके दिए गए सुझावों के अनुसार अपने हर एक अगले वीडियो में और सुधार ला पाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई बी बैक वेरी सून विद अनदर एडिशन। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्थी। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.